इमाम अली मुकाम ने अपने पुत्रां नूं कुर्बान कीता ना, दस मुहर्रम रात दा वेला होया, मेरे इमाम दी शहजादी बहन सईदा जैनब रात नूं अपने पुत्रां ते अपने वीरां दियां लाशां ते पहरा पई देंदी है। दस मुहर्रम उल हराम तो बाद तरह तरह दे वाकयात गुजरे, फिर कदी इंशाल्लाह मौका मिलिया ते तफसीलन वापसी का बला ते गुफ्तगु करांगे। एक करबला हुसैन तू पहले और एक करबला हुसैन दे शहीद होने तू बाद है, लेकिन उन्होंने सबर दा दम नहीं छड़िया। सईदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे इमाम दी शहजादी बहन, बिलाखिर यजीदियां ने इमाम अली मुकाम दी लाशां उवें बिखरियां पईयां। हजरत होर दा कबीला आया, होर दी लाश नूं उठा के लै गया, यजीदियां ने अपनियां लाशां नूं दफन कर लिया, लेकिन इमाम अली मुकाम दी लाशां उवें बिखरियां पईयां। सईदा जैनब पैरा पईया देंदियां ने। वक्त गुजरिया, दस मुहर्रम तो बाद जदों यजीदियां जालिमां ने सैयदजादियां नूं कैदी बना के लै के जान लगे ना, ते सईदा जैनब कहंदियां ने यजीदियो तुसीं साडी एक भी नहीं मन्नी, हुण जांदी वारी साडी एक मन लवो, सानू जांदियां साडे वीर दी कबर तों लाशे तों लै जायो, असीं जांदी वारी वीर दा चेहरा वेखना चाहने हां। हजरत इमाम जैनुल आबेदीन दे पैरां च बेरियां पा के हजूर दे सिर वाला नेजा हजरत इमाम ने जैनुल आबेदीन नूं पकड़ाया, ऊंटनियां ते सवार करके जदों मुल्के शाम लैके जान लगे ना, तो इमाम जैनुल आबेदीन दी फुफी जान सईदा जैनब ने कहा कि जांदी वारी वीर दे लाशे दे कोलों लैके जाया जे, असीं वीर दा लाशा वेखना चाहते हाँ। हजरत सईदा जैनब इमाम अली मुकाम दी लाश दे करीब आईयां ने ते रोन लग पईयां, ते रो के कहंदियां ने दोष न देवी मेरे सिर ते वीरा, अज पैण तेरी मजबूरे कित्थों तेरा, मैं कफन लियावां अज शहर मदीना दौरे चे, अज होंदी मैं शहर मदीने तेरी सोनी कबर बने दी, लोकी सुटने फुल कबराते मैं चंबे दे बाग लबेंदी। काफला लैके जदों बाजार दे विचों दी जान लगे ना, राह च इक बाजार आया, कई दिनां दे प्यासे इमाम दियां शहजादियां, लोगां ने ना बाजार दे अंदर खजूरे खजूरां शवारे सट्टे। हजरत सईदा सकीना अपनी फुफी दे करीब ऊंटनी ते बैठियां, एक खजूर ना हजरत सईदा सकीना दी गोद अंदर आके गिड़ी, आपने वो फर के ना मुंह अंदर डाल ली। सईदा जैनब ने वो खजूर बाहर कढ़ के फरमाया, सकीना सी सैयदजादे आ, कदी ये सदका ना होवे, सानू सदका नहीं लगदा, असी सदका लैण वाले नहीं सदका वंडन वाले हाँ, सारा जग साडे सदकें ते पलदा है। सईदा जैनब कहंदियां ने पुत्र सकीना जिथे इन्नी देर सबर कर ले, दो घड़ियां होर सबर कर ले, दो घड़ियां होर सबर कर ले, क्यामत तक मेरे नाने दी नवा मेरे नाने दी उम्मत तेरे नां दे लंगर पका के वंडिया करेगी। हजरात जदों कूफे दे बाजार दे अंदर काफला गया ना, ते हजरत सईदा जैनब रुक गईयां, खामोश हो गईयां, रुक गईयां। इमाम जैनुल आबेदीन ने फरमाया, फुफी जान चलदियां क्यों नहीं? आपने फरमाया किवें चलना, जदों मेरा बाबा हजरत अली खलीफा बने, उन्होंने कूफे नूं दारुल हुकूमत बनाया,
मैं जो उस वेले कूफे आई सां, मैं शहजादी बन के अपने बाबे दे नाल आई सां। लोगों ने मेरा अच्छा इस्तकबाल किया सी, फुलां दी पत्तियां नशावर कीतियां सन। अज किवें जावां, उदू मैं शहजादी बन के आई सां, अज कैदन बन के किवें गुजरां, अज नहीं गुजरिया जांदा। हज़रात, कूफे दे बाजार दे अंदर ना एक माई ने हजरत सईदा ज़ैनब नूं रोटी दे टुकर लिया के दिते, सुकी रोटी दे, ते आके कहंदियां ने सईदा मैनू परदेसन लगनी है, प्यासी भी लगनी है ते परदेसन भी लगनी है, आ सुकी रोटी ये खा लै। ते माई पता की कहंदी है, कहंदी है मैनू तेरे विचों मदीने वाली फातिमा दी खुशबू आंदी है, तेरे विच मदीने वाली फातिमा दी खुशबू आंदी है। सईदा ज़ैनब ने कई महीनों तो बाद परदेसां दे अंदर माँ का नाम सुनिया ना, तो रोन लग पईआं। आपने फरमाया दस मेरी माँ नूं किवें जाननी है। माई कह लगी, जड़े वेले मैं जवान मैं मदीने नबी दी बेटी फातिमा दे घर कम काज करदी रही हाँ, मैं उन्हां दी गुलामी करदी रही हाँ। सईदा ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा उस वेले दी कोई गल सुना दे। मैं कहंदी है मैं फातिमा दी बेटी दी एक छोटी जी बेटी सी, ओदी परवरिश करदी रही हाँ, मैं ओदी खिदमत करदी रही हाँ, ओदा नाम ज़ैनबे, मैं उन्हूं लोरियां देंदी रही हाँ। सईदा ज़ैनब दी अखियां चो आंसू आ गए ने, रो के कहदियां ने, अम्मा ध्यान नाल वेख मैं ओही ज़ैनबा जिन्नू तू लोरियां देंदी रही है। माई दियां चीखां निकल गईयां, कदम फड़ के कहदियां ने, कहदियां ने शहजादी माफ कर दे, मैं कमजोर खाण लई कुछ नहीं, मैं कुछ ना कुछ तुहानू आया तां कर देंदी, मैनू माफ कर दे। माई कहदी है शहजादी मेरे वास्ते दुआ कर जा। हज़रत सईदा ज़ैनब ने दुआ की, मौला इस माई ने परदेसां दे परोना बनाए, मैं दुआ करनी मौला इनू क़यामत वाले दिन साडा परोना समझ के माफ कर दे भी। हज़रात बिलाखर इब्ने ज़ियाद दे दरबार चे काफला लंघिया गुजरिया, इब्ने ज़ियाद ने कहा इन्हां नूं मुल्के शाम यजीद दे दरबार चे लै जाओ। तकरीबन मुअर्रखीन लिखते ने कि कूफे तो मुल्के शाम दा सफ़र 600 मील दा है। इन्हां ज़ालिमां ने उल्टे रस्ते तो रस्ता इख्तियार किया, 800 मील दा सफ़र करवा के मुल्के शाम यजीद दे दरबार चे लै के गए। यजीद दे दरबार च इमाम अली मुकाम दा सरे अनवर रख्या ना थाल दे अंदर, ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन वेख के रो रहे यजीद तख्त ते। यजीद ने इमाम अली मुकाम दे लब्बां ते छड़ी मार के ना, ते क्या है ज़ैनुल आबिदीन वेख लै अज तेरा बाबा हार गया ते मैं जित गया, मैं जित गया। मुल्क शाम दी जामिया मस्जिद दे अंदर अजान हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों आया ना शहादु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तेनू मुहम्मद दा वास्ते इत्थे चुप कर जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीदिया मेरा बाप पत्थर नू ठोकर मारे ते ओ तख्त बन जांदा है, मेरा बाप ए तख्त वास्ते नहीं लड़दा रहा, दस ए अजान दे अंदर तेरे नाने दा नां है या साडे नाने दा नां है। यजीद कहन लगा नाम ते तुहाडे नाने दा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरा बाप इस तख्त वास्ते नहीं लड़दा रहा, मेरा बाप इस वास्ते लड़दा रहा कि मेरे नाने दा दीन जिंदा रह जावे, मेरे नाने दा दीन जिंदा रह जावे, कुरान जिंदा रह जावे, मेरे बाप नू इन्हां तख्तां दी लोड़ नहीं है। वो तो खुद जनती नौजवानों का सरदार है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अज वेख अजान के अंदर मेरे नाने का ना है, अज असी जित गए तो तू हार गया है, तू हार गए हैं। हज़रत जी वक़ार बड़े वाकयात गुजरे, कभी तफसीलन वक्त मिले तो इंशाल्लाह गुफ्तगू करांगे। हज़रत उन्होंने दीन वास्ते जाना कुरबान कीतियां, तो सानू भी हक बनता है कि असी भी दीन वास्ते कुछ करिए, नमाज कायम करिए, अजाना कायम ने, इमाम अली मुकाम का सदक है।
अज नमाज कायम है, मस्जिद कायम है, तो इमाम अली मुकाम का सदका है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ते बुजुर्गो, हजूर दे दीन नाल वफा करो, हजूर दी अहले बैत नाल वफा करो। अल्लाह पाक सानू दुनिया ते रह के हजूर अली सलातो सलाम दी अहले बैत नाल प्यार मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। परोना बनाए मैं दुआ करनी मौला इनू कयामत वाले दिन साडा परोना समझ के माफ कर दे भी। हज़रात बिलाखर इब्ने ज़ियाद दे दरबार चे काफला लंघिया गुजरिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा इन्हों मुल्क शाम यजीद दे दरबार चे ले जाओ। तकरीबन मुअर्रखीन लिखते ने कि कूफे तो मुल्क शाम का सफर 600 मील दा है। इन्हां ज़ालिमां ने उल्टे रस्ते तो रस्ता इख्तियार किया, 800 मील का सफर करवा के मुल्क शाम यजीद दे दरबार चे ले के गए। यजीद दे दरबार चे इमाम अली मुकाम दा सरे अनवर रखिया ना थाल दे अंदर, ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन वेख के रो रहे यजीद तख्त ते। यजीद ने इमाम अली मुकाम दे लब्बां ते छड़ी मार के ना ते क्या है ज़ैनुल आबिदीन वेख ले अज तेरा बाबा हार गया ते मैं जित गया, मैं जित गया। मुल्क शाम दी जामिया मस्जिद दे अंदर अजान हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आया ना शाहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तेनू मुहम्मद दा वास्ते इत्थे चुप कर जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीदिया मेरा बाप पत्थर नू ठोकर मारे तो वह तख्त बन जाता है, मेरा बाप ये तख्त वास्ते नहीं लड़ता रहा। दस ये अजान दे अंदर तेरे नाने का ना है या साढ़े नाने का ना है? यजीद कहन लगा नाम तो तुहाडे नाने दा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरा बाप इस तख्त वास्ते नहीं लड़ता रहा, मेरा बाप इस वास्ते लड़ता रहा कि मेरे नाने का दीन जिंदा रह जाए, मेरे नाने का दीन जिंदा रह जाए, कुरान जिंदा रह जाए। मेरे बाप नूं इन्हां तख्तां दी लोड़ नहीं है, वो तो खुद जनती नौजवानों का सरदार है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अज वेख अजान के अंदर मेरे नाने का ना है, अज असी जित गए तो तू हार गया है, तू हार गए हैं। हजरात जी वक्कार बड़े वाकयात गुजरे, कभी तफसीलन वक्त मिले तो इंशाल्लाह गुफ्तगू करांगे। हजरात उन्होंने दीन वास्ते जाना कुरबान कीतियां, तो सानू भी हक बनता है कि असी भी दीन वास्ते कुछ करिए, नमाज कायम करिए। अज अजाना कायम ने तो इमाम अली मुकाम का सदका है, अज नमाज कायम है मस्जिद कायम ने तो इमाम अली मुकाम का सदका है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ते बुजुर्गो, हजूर दे दीन नाल वफा करो, हजूर दी अहले बैत नाल वफा करो। अल्लाह पाक सानू दुनिया ते रह के हजूर अली सलातो सलाम दी अहले बैत नाल प्यार मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।